लेंसडाउन के रिकनीखाल क्षेत्र में गुलदार के आतंक के बीच वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया है, लेकिन गुलदार का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ। दरअसल इलाके के आसपास एक और गुलदार देखा गया है, जिसके बाद से वन विभाग को भी इस बात का कंफ्यूजन बना हुआ है जो कि गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। क्या इसी गुलदार ने हाल ही में 5 साल के बच्चे को निवाला बनाया था? इलाके में फिलहाल 4 जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही पकड़े गए गुलदार की जांच कर पता लगाया जाएगा कि गुलदार ने हाल ही में किसी मनुष्य का शिकार किया है या नहीं। यह गुलदार पकड़ने के बावजूद स्टाफ को और क्षेत्र में और एक गुलदार मिलने की सूचना मिली है, उसके तहत ही हमारा जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती और WII का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, DNA का इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग है, जब तक वो मैच नहीं होता, हम लोगों का जो गश्त और अन्य जो रेस्क्यू कार्य है वो चलता रहेगा। अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, लगातार गुलदार की दहशत जो है वो बनी हुई है, हालांकि एक गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया है, अब उसकी जांच भी कराने की बात कही जा रही है। देखिए, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है जब एक गुलदार ने 5 साल के बच्चे को, उसके आंगन में खेल रहा था रात के समय, शाम के समय, और वहां से उठाकर जंगल ले गया था और उसके बाद उसकी मौत की खबर सबके सामने आई थी। उसके बाद से ही पूरे इलाके में दहशत बनी हुई थी क्योंकि इस तरीके से काफी समय बाद इस तरीके से घटना हुई है कि गुलदार पूरा घर के अंदर तक पहुंच गया और उसके बाद से इलाके में गश्त लगाई जा रही थी। पुलिस हो या वन विभाग की टीम हो, लगातार गश्त कर रही थी। पिंजरे लगाए गए थे, ट्रैप कैमरे भी लगाए गए थे ताकि गुलदार की मूवमेंट का पता लगाया जा सके। और कल लगभग इसी समय एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है और उसके बाद उसको रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या यही वही गुलदार है जिसने उस बच्चे को निवाला बनाया था। यानी कि जो फॉरेंसिक जो जांच होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यही वो गुलदार था, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण हैं या वन विभाग की जो टीमें हैं वो जब गश्त कर रही थी तो एक मादा गुलदार की भी वहाँ पर देखने जाने की सूचना है, वहाँ पर देखा जा रहा है। तो कहा नहीं जा सकता कि जो गुलदार कल पकड़ा गया यह वही गुलदार है या फिर वो मादा गुलदार थी जो के समय पहुंची थी। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन इसमें बना हुआ है। इसी को देखते हुए वन विभाग की टीम की ओर से भी जो ऑपरेशन था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो लगातार चलाया भी जा रहा है। गश्त का जो सिलसिला था वो भी लगातार जारी है और इसके बाद जब दूसरा जो गुलदार, जो मादा गुलदार जिसको देखने की बात कही जा रही है, वो पकड़ में आ जाती है, उसके बाद उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसने ये निवाला बनाया था और राहत कब तक मिलती है। थोड़ा समय इसमें भी बाकी है। बहुत शुक्रिया अनुपम विस्तार से जानकारी देने के लिए। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश की वजह से पौड़ी में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। चारधाम की रक्षक कही जाने वाली माधारी देवी के मंदिर को भी अब खतरा पैदा हो गया है। माधारी देवी का सिद्धपीठ मंदिर अलकनंदा नदी के बीच पिलर पर टिका हुआ है और नदी के उफान पर आने से मंदिर का पिलर काफी हद तक पानी में डूब चुका है। अब मंदिर प्रांगण तक अलकनंदा नदी का जलस्तर पहुंचने में कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। ऐसे में मंदिर समिति को डर है कि कहीं मंदिर जलमग्न ना हो जाए। धारी देवी मंदिर के पुजारी ने कहा कि नदी का तेज बहाव पिलर पर काफी जोर डाल रहा है जिससे कई बार मंदिर हिल रहा है। ये दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सामने देखिए, ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। धार से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर, हमको तो आदत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिलों में लग करके बड़े, मतलब जैसे झड़का जैसे होता है, इस प्रकार से झड़का। पौड़ी से आलोक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आलोक, क्या स्थिति है अभी वहां पर? बताया जा रहा है कि मंदिर पर भी खतरा है, मंदिर का भी आधे से ज्यादा पिलर डूब गया है जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आलोक, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, मंदिर का पिलर आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। आलोक, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जरा अभी की स्थिति बताइएगा, कितनी परेशानी अभी हो रही है और मंदिर परिसर का कितना हिस्सा पानी में डूब गया है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से इन दिनों मानसून सीजन की बारिश जारी है और चमोली और रुद्रप्रयाग में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो इससे जो अलकनंदा नदी है वो उफान पर है। उससे हो ये रहा है कि नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, और इसके साथ साथ जो श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना है तो इससे भी कई क्यूबिक में करीब 2400 क्यूबिक में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया, क्योंकि जो धारी देवी का मंदिर है वो नदी के बीचों बीच स्थित है। ऐसे में जो पिलर है वो करीब करीब अब 1 से 2 मीटर और रह गए हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रांगण तक ये जल स्तर पहुंचने वाला अलकनंदा नदी का। ऐसे में जो मंदिर समिति है उसने शासन से मांग की है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कदम उठाए जाए ताकि जो मंदिर मंदिर की मूर्ति और धारी देवी मंदिर है इसे बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आलोक। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर चमोली से। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पिछले 6 दिनों से बंद है और नंद प्रयाग में भारी भूस्खलन होने की वजह से हाईवे बंद है, जिसे खोलने की कोशिश जारी है लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा आ रहा है सड़क पर और सड़क बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि गाड़ियों को कोर्ट के रास्ते भेजा जा रहा है लेकिन वहां पर भी जाम की स्थिति पैदा हो रही है। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है। लंबा जाम गाड़ियों का दोनों तरफ। नितिन सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, चमोली संवाददाता। नितिन, क्या कहता है प्रशासन, कब तक सुचारू रूप से मार्ग चला दिया जाएगा और अभी क्या स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को? जी, अगर नंदप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे लगभग आज 5वां दिन हो चुका है सड़क मार्ग बाधित है। प्रशासन का कहना है कि मार्ग को खोलने के लिए मशीनें वहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ टूट रहा है उससे संभवतः लग नहीं रहा है कि आज भी मार्ग सुचारू हो पाएगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दोपहर तक या शाम तक मार्ग को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी वहाँ पे मलबा गिर रहा है और मशीनें लगाई गई हैं और रात दिन वहाँ पे काम किया जा रहा है। बताते चले कि अगर इस स्लाइड की बात करें तो इससे पहले कहीं पर ये बंद होता रहा है लेकिन बीच में रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से सक्रिय हो गया, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, नंदप्रयाग से कोट होते हुए चमोली की तरफ वाहन आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसकी वजह से वहां पे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अब सभी को उम्मीद है कि नेशनल हाईवे जल्दी खुल जाए, क्योंकि आज मौसम भी साफ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद जरूर है कि आज मार्ग सुचारू हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चमोली के पंगनो गांव में कुदरत की कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पंगनो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है जिससे 90 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। वहीं कुछ घर बर्बाद हो चुके हैं, कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि गांव में किस कदर बर्बादी हुई है। गांव के ऊपर भूस्खलन हो रहा है जो कि पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। मलबा और बड़े बड़े पत्थर गांव की तरफ आ रहे हैं। प्रशासन से लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल से गांव आपदा की चपेट में है लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। काफी बाढ़ ज्यादा हो गई है और जो ये पेड़ पौधे हैं वो जो हमारे तरफ और ज्यादा पलट रहे हैं और कभी भी खतरा हो सकता है, पूरे गांव के लिए खतरा है। इधर 54 परिवार तो चपेट में है। अब जो है इसके अंतर्गत आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी। कल रात परसों रात से जो है हम उधर ही सो रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं अपने इधर। रात को बारिश आई तो लोग सब सो रखे थे तो ऊपर से आवाज़ आई कि भागो भागो, तो लोग उधर भाग गए मंदिर की साइड। अच्छा, तो यहाँ पूरा नाला गदेरा पूरा लोगों ने रात को गाय भैंस सारे उधर भेज दिया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का सफर मानसून में मुसीबत भरा हो जाता है। कई बार तो यात्रियों को कई घंटों तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता है। पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह सड़क पर सफर खतरनाक बना हुआ है। रोड पर मलबा आने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। वहीं सिरोपगढ़, नंदप्रयाग, छिनका,
पागल नाला के साथ पागल गंगा, कंचन गंगा और गुलाब कोटी पर पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। श्रीनगर से ऊपर से लेते हैं, चटवा पीपल है, कर्णप्रयाग में है, इधर छिनका में है, बिरही में है और टंगनी पागल नाला है और जोशीमठ के पास ही स्टार्टिंग पर जो टीसीपी जो गेट है, जगह जगह कुछ कुछ गुलाब कोटी है, ऐसे ऐसे नए स्लाइड जो बन के आ रहे हैं जिससे कि एक मार्ग तो अवरुद्ध, कई दिनों तक भी मार्ग अवरुद्ध होने के चांस होते हैं। मानसून में बद्रीनाथ हाईवे से सफर किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ी दरक रही है और कई जगह सड़क पर दलदल जैसे हालात बन गए हैं। इसके साथ ही हाईवे पर बने नए स्लाइडिंग जोन भारी मुसीबत बन गए हैं। आज स्थिति है कि अगर 10 किलोमीटर यहाँ से आगे हिलंग से लेकर के और नंदप्रयाग से लेकर जगह जगह सड़क अवरुद्ध होती है। हर मानसून सीजन में यही हालत है, चट्टानों का दरकना और जगह जगह सड़कों का ध्वस्त होना ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की नियति बन गई है। सड़क की हाल इतने खराब है कि कई बार गाड़ियां फिसल रही हैं और हादसों का सबब भी बन गई है। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में नदी की दूसरी तरफ फंसी एक गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और फायर टीम ने बचाव अभियान चलाया। इससे पहले एक जवान रस्सी लेकर दूसरी तरफ गया और फिर गाय को रस्सी से बांधा गया। दूसरी तरफ से रस्सी खींची गई और पानी की तेज धारा के बीच गाय को बचा लिया गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद गाय नदी के दूसरी तरफ फंस गई। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे मॉनसून के दौरान काफी बुरी हालत इसकी हो चुकी है और हालात ये हो गए हैं कि दो जिलों की लाइफलाइन इसे कहा जाता है, पर हल्की सी बारिश पर भी ब्रेक लगाने के लिए काफी है। लेकिन ये हाईवे जहां पर चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है, वहीं आदि कैलाश यात्रियों की सफर को भी यहीं से गुजरना होता है। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के अलवेदर में तब्दील होने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट में एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक हैं कि जरा सी बारिश में ये भरभराकर हाईवे को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने अलवेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। अलवेदर रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह बारिश होने पर लैंडस्लाइड हो रही है। नतीजा ये है कि यात्रियों को घंटों हाईवे पर रुकना पड़ रहा है। देखिए, जब से बरसात शुरू हुई है जो हमारी अलवेदर रोड है, इस पर जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जगह जगह मलबा आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर चलने में लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। जो लोग सफर कर रहे हैं तो रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन और सरकार से कहने के बाद भी जो है इस अलवेदर रोड को जो है ठीक नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 150 किलोमीटर के हाईवे में 5 दर्जन से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार दरकती पहाड़ियां अलवेदर रोड को निगल रही हैं। ये हाईवे चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने का जरिया भी है। इसी रोड से होकर बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल पहुंचते हैं। अलवेदर की राह में 4 सालों से स्वाला सबसे अधिक डेंजर जोन बना है। स्वाला की दरकती पहाड़ियां बॉर्डर की लाइफलाइन को जाम कर रही हैं, जिसे देखते हुए अब एनएच यहां पर बड़ा पुल बनाने का प्लान भी बना रहा है। बार बार ये विषय आता है कि बरसात आते ही रोड ब्लॉक हो जाएगी। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे NHI के और NHPWD के लोग थे, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल ही बनाएंगे और फिर भी हम बरसात में रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए। अलवेदर रोड को डेंजर जोन से मुक्त करने के लिए 300 करोड़ की लागत से काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई डेंजर जोन में काम शुरू ही नहीं हो पाया है। ऐसे में तय है कि करोड़ों की लागत से बनी रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा
जब सभी डेंजर जोन 100% ट्रीटमेंट होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के दर्शन पूजन किए, पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने मानसरोवर कॉरिडोर के जरिए कुमाऊं के सभी धार्मिक स्थलों के विकास का प्लान तैयार किया है। गंगोलीहाट का महाकाली मंदिर भी कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिस पर काम शुरू होने के बाद निश्चित रूप से गंगोलीहाट में धार्मिक पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलेगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत है, उन सभी को हम पूरी तरह से नवनिर्माण की ओर ले जाएंगे, उनको विस्तार देंगे, विकास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता, पूरा ये चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और ये पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के अलावा गैरसैंण का भले ही कुछ ना हुआ हो या फिर हुआ हो, लेकिन गैरसैंण के नाम पर राजनीतिक रोटियां हमेशा ही सेकी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से गैरसैंण की सियासत को हवा दे दी है। देखिए, इक्कीस अगस्त को गैरसैंण में उपवास पर बैठे हरीश रावत ने तब कहा था कि हम सत्ता में आए तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। इसके ठीक 5 दिन बाद हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत ने जो कहा उसने सियासत गरमा दी है। हरीश रावत ने हल्द्वानी में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहता था, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया और मैं चाहकर भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर सका। आपने कहा है कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी घोषित करना चाहते थे, कौन लोग थे जिन्होंने आपको रोका, कौन लोग थे वो लोग, मेरा बताइए। सबको मालूम है जिन लोगों ने 2016 में सरकार गिराने की साजिश की और गिराई, राष्ट्रपति शासन लगवाया और हम जो हमारे बढ़ते हुए कदम थे गैरसैंण की दिशा में उन कदमों पर ब्रेक लगाने का काम किया। विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो लोग गए उस समय सरकार से बाहर, वो सब लोग जो है हैं जिन्होंने हमको राजधानी बनाने के कदम नहीं उठाने दिए। हरीश रावत के इस बयान से सियासत गर्मा गई। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनके पूर्व सहयोगियों ने एक एक करके हरीश रावत पर पलटवार किया। दिल्ली में मौजूद पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में कहा कि हमारे जाने के बाद भी वो 2 साल तक सीएम रहे, तब उनको किसने रोका था। वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत झूठ की चलती फिरती मशीन है। बड़ी दुख की बात है कि हरीश रावत जी सच बोलते ही नहीं जी। मेरे हमारे लोगों के जाने के बाद वो 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री आए जी, हम लोग तो छोड़ के चले गए थे जी, तो किसने बेबस किया था उनको जी। ये उनके जो है वो उनकी आदत है कि वो गुमराह करने के लिए गलत बयान देते हैं जी। और किसी भी वक्त मैंने या किसी भी साथी ने ऐसी बात कही ही नहीं उनसे या किसी और से कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वो राजधानी घोषित करे कि ना करे। हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया। देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इस उम्र में कहीं ना कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की चलती फिर। गैरसैंण पर हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि गैरसैंण पर बड़ा दावा करने वाले हरीश रावत कांग्रेस में हुई बगावत के बाद भी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब हरदा को गैरसैंण की याद नहीं आई और अब विपक्ष में हैं तो जरूर गैरसैंण की बात कर रहे हैं, जबकि गैरसैंण के लोग तो आज भी वहीं खड़े हैं, गैरसैंण पर हो रही सियासत को देख खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ गैरसैंण से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं एक हैरानी भरी तस्वीर जो कि कोर हिमालय से आई है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित और चीन बॉर्डर पर मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह से गायब हो गया है। न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि उसके आसपास भी कहीं बर्फ दिखाई नहीं दे रही है। हालात ये हैं कि पूरी तरह से सूखे पहाड़ यहां पर दिख रहे हैं, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ रहती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों की बढ़ती संख्या, अब हालात ये है कि अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह सूख चुका है और बर्फ का मानो नामो निशान ना हो। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ओम पर्वत पर पहले बर्फ रहती थी और अब ये पूरी तरह से पिघल चुकी है। बद्रीनाथ धाम में हर्ष और उल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। दिन रात तक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में झूमते नजर आए और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा भगवान बद्री विशाल का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद विष्णु सहस्रनाम पाठ संपन्न हुआ। अंत में भगवान बद्री विशाल की भव्य आरती की गई। उत्तरकाशी समेत गंगोत्री धाम में जन्माष्टमी की धूम देर रात तक देखने को मिली। गंगोत्री धाम में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके अलावा कई गांव से ग्रामीण भी देवडोली के साथ पहुंचे और देर रात तक इस उत्सव में झूमते नजर आए। गंगोत्री धाम में पुरोहितों से कृष्ण जन्म उत्सव विधि विधान के साथ मनाया गया।